नमस्कार दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे सूर्य आपके पहले भाव में हो तो आपको कैसा फल देगा, जन्म कुंडली में लग्न में सूर्य होने से आपको कैसा फल मिलता है, सूर्य पिता का कारक है, सरकारी नौकरी का जो कारक है वह सूर्यदेव है, नेत्र का कारक सूर्यदेव है और मान सम्मान प्रतिष्ठा का कारक जो है वो भी सूर्यदेव है। सूर्य से ही आपको मान प्रतिष्ठा मिलती है, जॉब में प्रमोशन मिलता है, नेम फेम जो मिलती है वो सूर्य ग्रह से मिलती है। आपको जो भी सारी चीजें मिलेगी वो सूर्य ग्रह से मिलती है, नेम फेम मान प्रतिष्ठा सरकारी नौकरी, आपको मंत्री पद में बड़ा पद मिलना, ये जितना भी कार्य मिलता है वो सूर्य की वजह से मिलता है। सूर्य ग्रह जब आपका चमकता है तो आपको चमका देता है। सूर्य को कैसे मजबूत करें जिससे आपकी किस्मत भी चमक जाए, सूर्य को मजबूत करना है तो पिता को सम्मान करें, सूर्य को सुबह जल्दी उठ के अर्घ देवें, तांबा व माणिक्य पहनने भी सूर्य ग्रह मजबूत होता है। तो अपने इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों सूर्य ग्रह को लग्न में होने से कैसा फल मिलेगा, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज को। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए, सूर्य अगर आपके पहले भाव में हो, लग्न में सूर्य हो तो जातक को थोड़ा सा गुस्से वाला जरूर बनाता है, क्रोधी स्वभाव का थोड़ा सा बना देता है, क्रूर स्वभाव का रहता है, आलसी और साधारण कदली ये होता है, किसी को क्षमा न करने वाला इनकी प्रकृति में होता है, क्योंकि सूर्य मतलब राजा और राजा जल्दी से बिना पनिशमेंट के किसी को क्षमा नहीं करता है, क्योंकि वह एक रोबीले स्वभाव का होता है और जिसके पास रोबीला स्वभाव होता है, सूर्य जैसा प्रकाश होता है, वह हर किसी की जल्दी से नहीं सुनता है। लग्नस्थ सूर्य होने पर जातक के सिर पर बाल बहुत कम होते हैं। अगर आपके जन्म राशि भी सूर्य में नीच का हो, जैसे तुला राशि का हुआ, कुंभ राशि का हुआ, मकर राशि का हुआ, शत्रु राशि में हो, नीच राशि में हो, तो आपके बाल काफी ज्यादा झड़ेंगे, बाल कम होते हैं ऐसे लोगों के, छोटी उम्र में ही बाल झड़ना शुरू हो जाता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट में लिखकर बता सकते हो, मैं आपको उसका उपाय भी कमेंट के अंदर ही दे दूंगा। लग्न सूर्य होने पर जातक के सिर पर बाल बहुत कम होते हैं, अर्थात सिर पर बाल घने नहीं होते, काफी ज्यादा गहरे नहीं होते, थोड़े थोड़े बाल ही रहेंगे। लग्न में बैठा शत्रु राशि में सूर्य नेत्र रोगी भी बनाता है। अगर आपका शत्रु राशि है, जैसे मान लो तुला राशि हो, मकर राशि हो, कुंभ राशि हो, तो ऐसे भावों में सूर्य आपको अच्छे फल नहीं देता है। इस तरह आपको सूर्य शत्रु राशि में होने के कारण आपके नेत्र में संबंधी दिक्कत समस्या दे सकता है, आंखों से संबंधी दिक्कत समस्या दे सकता है, क्योंकि सूर्य नेत्र का कारक ग्रह है। स्वग्रही जातक को रतौंधी का रोग भी दे सकता है, इस चीज का ध्यान, क्योंकि ज्यादा दिखना भी, ज्यादा अगर बहुत ज्यादा रोशनी आपके आंखों के सामने कर दी जाती है तो क्या आप देख पाते हो? अगर मान लो आपके सामने एक तो 10 वाट का बल्ब जलाया जाता है और एक साथ ही अगर मान लो 2000 वाट का या 50000 वाट का बल्ब आपके सामने जला दिया जाए तो क्या आप देख पाओगे, उसको सहन कर पाओगे? आपकी आंखें खराब होने के ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। जैसे अपने लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल ज्यादा देर देखते हैं तो अपनी आंखों में रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है, आपने देखा होगा और डॉक्टर भी ऐसा बताता है। तो लग्न में स्व राशि का सूर्य तो जातक के आंखों में फूला होता देखेंगे, काफी ज्यादा अच्छा ज्ञान प्राप्त करता है, मशहूर होता है, क्योंकि सूर्य लग्न में स्व राशि होने से आपको काफी नेम फेम का कारक ग्रह होने के कारण नेम फेम भी दिलाता है। उच्च का सूर्य यश व मान प्रतिष्ठा देता है, अगर उच्च का हो, मेष राशि का सूर्य हो तो बहुत मान प्रतिष्ठा दिया जाता है। लग्नस्थ उच्च के सूर्य पर बलवान बुध और गुरु की दृष्टि हुई तो जातक विद्वान व धनवान बनता है, अगर बुध साथ में बैठे हो तो बुध आदित्य राजयोग बनता है। लग्न में स्व राशि का सूर्य हो तो जातक काफी ज्यादा अपना प्रचार प्रसार फैलाता है और बहुत प्रसिद्ध होता है। लग्न में तुला राशि का सूर्य हो तो जातक थोड़ा निर्धन प्रतापी वीर होता है, किंतु विद्वानों ज्ञानियों से द्वेष करने वाला होता है, चिड़चिड़े स्वभाव का होता है। तुला राशि के अगर सूर्य लग्न में हो, अगर आपका तुला लग्न बनता है और लग्न में सूर्य बैठा है तो आपको थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव जरूर रहेगा, आप किसी से जलन भावना भी रख सकते हो और हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत आंखों में बालों में दिक्कत समस्याएं जरूर होगी। मकर राशि का सूर्य लग्न में होने पर हृदय संबंधी रोग दे सकता है। मीन राशि का लग्न में सूर्य होने से जातक को स्त्रियों अथवा पुरुषों में रत रख सकता है, वो स्त्री होगी तो स्त्रियों में रुचि रखेगा, पुरुष होगा तो पुरुषों में रुचि रखने वाला हो सकता है, अगर मीन राशि का सूर्य होगा तो ऐसे प्रभाव देता है सूर्य। अगर लग्न में हो तो सूर्य लग्न में होने से आपको सरकारी नौकरी का भी योग बनाता है, अगर
लग्न में सूर्य और शनि की दृष्टि हो या दशम भाव की दृष्टि हो, दशम का मालिक सूर्य के साथ बैठा हो लग्न में सूर्य के साथ ही, तो आपकी सरकारी नौकरी के चांसेस ज्यादा से ज्यादा बन जाते हैं। सूर्य लग्न में होने से मान सम्मान नेम फेम अपनी अंतरदशा प्रत्यंतरदशा महादशा में जरूर दिलाता है। बस शर्त ये होनी चाहिए कि वह उच्च का होना चाहिए, मित्र राशि में हो, शत्रु राशि में नहीं हो, राहु केतु से पीड़ित ना हो। राहु केतु से पीड़ित होने पर सूर्य लग्न में पाप पीड़ित हो जाएगा और आपको दिक्कत समस्याओं का सामना काफी ज्यादा करना पड़ेगा। आंखों से संबंधित, बालों से संबंधित आपको ज्यादा दिक्कत समस्याएं होगी। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आएगा सूर्य दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, सारे वीडियो इसी तरह सब बनकर आएंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। जय माता दी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।